इसमें 4 तारीख को शाम को जानकारी मिली है कि तेंदुआ दिखाई देने का, तो उसमें तत्काल हमारी वन विभाग की टीम लगा दी गई है और सतत निगरानी की जा रही है। 2 पिंजरे भी कैंपस में लगाए गए हैं और दीवार को ऊंची करने के लिए, तार फेंसिंग के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जितना जल्दी हो सकता है कि उसको ट्रैप कर लिया जाए। गोंडा के रिहायशी इलाके में एक बार फिर से तेंदुओं की आमद हुई है और इस बार फिर से वो तेंदुआ एक बार फिर से जिलाधिकारी आवास और उसके परिसर के आसपास देखा गया है। ये जिलाधिकारी आवास है, बताया जा रहा है कि यहीं पर तेंदुए की आमद हुई है। तेंदुए के सामने आने के बाद लोगों में जहां दहशत का माहौल है, तो वहीं तत्काल एक्शन में आते हुए वन विभाग ने यहाँ पर बॉम्बिंग करके शुरू कर दी है। 2 पिंजरे भी डीएम आवास के अंदर लगा रखे हैं। सामने ही ये सरकारी कार्यालय है वन विभाग का, जहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। यहाँ से निकाल कर 2 पिंजरे भी डीएम आवास के अंदर लगाए गए हैं। इस पूरे मामले में आपको यह भी बता दें कि करीब 2 महीने पहले ये तेंदुआ यहीं पर दिखाई दिया था और ये सामने पेट्रोल पंप दिख रहा है। इस पेट्रोल पंप से ही वो सीसीटीवी फुटेज निकला था जिसमें तेंदुए की आमद हुई थी। इस बार फिर से करीब 2 महीने बाद एक बार फिर से तेंदुए की आमद हुई है। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें तेंदुआ डीएम आवास और उस परिसर के आसपास दिखाई दे रहा है। पूरे मामले पर वन विभाग द्वारा बताया गया कि डीएम आवास के अंदर जो पिंजरे लगा रखे गए हैं, कॉम्बिंग की जा रही है। बताया गया कि अगर किसी भी प्रकार का कोई भी जंगली जानवर या तेंदुआ दिखाई देता है तो उसे पकड़ कर या सिर पर जंगल में छोड़ा जाएगा। डीएम उज्जवल कुमार द्वारा जानकारी दी गई और उन्होंने भी यह बताया कि पूरी तरह से वन विभाग को सतर्क कर दिया गया है और यहाँ पर पिंजरा लगा कर कॉम्बिंग की जा रही है। किसी भी तरह से कोई जंगली जानवर अगर दिखाई देता है तो उसे पकड़ कर यहाँ से दूर जंगल में छोड़ा जाएगा। उन्होंने सीधे तौर पर कह रखा है कि रिहायशी इलाके में भी अगर कोई जंगली जानवर दिखाई देता है तो उसे यहाँ से पकड़ कर जंगल में छोड़ा जाएगा। गोंडा से विशाल सिंह, नवभारत टाइम्स, डिजिटल।